कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दावा किया था कि यात्रा निकालना ठीक है, लेकिन इसके साथ ही बूथ मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं अब इस पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक पटकथा के आधार पर यात्रा पर निकले हैं, जिन्हें लक्ष्मण सिंह की बात पर गौर करना चाहिए। केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेगा, चलने से फर्क पड़ता है, फॉलोइंग बढ़ती है, सब होता है, लेकिन जब तक बूथ मैनेजमेंट हम लोग अच्छी तरह नहीं करेंगे, बूथ पे हम लोग अच्छे प्रशिक्षण नहीं देंगे, हमारे बूथ वर्कर्स को मदद नहीं करेंगे, उसको ट्रेन नहीं करेंगे, और तब तक नहीं होता है। एक चला है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो बूथ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होती है। बूथ पे जाके आपका कार्यकर्ता आपके साथ है कि नहीं है, और ऐसा कार्यकर्ता जो आगे पलट ना जाए, वो तो आपको जज बूथ पे जाके करना पड़ता है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े इन्होंने ऑपरेशन किए हैं, बीजेपी वालों ने ऑपरेशन लोटस, जब सरकारें गिरा दी प्रदेश की, तो कार्यकर्ताओं को मैनेज करने में इनके लिए बड़ी बात नहीं होती है। तो हर बूथ पे कांग्रेस पार्टी के लोगों को जाना चाहिए और सेलेक्ट करना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ हमारा साथ देगा, बदलेगा नहीं, ऐसे सेलेक्ट करके और उनको आप बूथ पे रखेंगे, तब परिणाम आते हैं। सिंह जी सही बात बोली कि बिना किसी एजेंडे के राहुल गांधी निकल चुके हैं, 40,000 रुपये की टी शर्ट पहनकर वो गरीबी मिटाने की बात करते हैं, एजेंडा कुछ है नहीं, हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति को जानते नहीं हैं, हिंदुस्तान की राजनीतिक समझ नहीं है, केवल अपनी स्क्रिप्टेड जो उनकी पटकथा लिखी जा रही है उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है वो यथार्थ है, केवल पैदल चल देने से काम नहीं चलेगा।